हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 7th क्लास है आपका, और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6, हमारे अतीत, सेकेंड हमारी बुक है, और इसमें हम देख रहे थे इस वर्ष से अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम से, बेसिकली। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका होगा क्या मतलब है ईश्वर के अनुराग, प्रेम से। तो कल हमने इनमें बहुत सारी चीजों को पढ़ा, इनमें समझा और इनमें देखा, ठीक है? और इन सबको हम लोग गौर करके, एक एक करके बड़े अच्छे से देख भी चुके थे और इन पर बहुत कुछ चीजों की बात भी कर चुके थे, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाथ और सिद्धू के विषय में हमने देख लिया, तो सबसे पहले नाथ और सिद्धू के विषय में हमने पढ़ा। यहाँ तक पहले बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी आपका, क्योंकि फिर उसके बाद आपका मुस्लिम पंथ में सूफी संतों के बारे में हम लोग आपका जानेंगे। तो एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट, कोई क्वेरी है? हो गया, यहाँ तक पढ़ लिया आपने? इस्लाम आपका सूफी मतों को देखिए एक बार, इसमें कोई डाउट है आपका इस्लाम सूफी मतों में? तो इस्लाम और सूफी मत, एकेश्वरवाद, परंपरा, सूफी संतों के सिलसिले, जिक्र, समा, रक्ष, इन चीजों की हम लोग आपका बात कर चुके हैं कि रक्ष क्या है। इन सब चीजों को अच्छे से हमने गौर करके आपका देख लिया इन पर बेसिकली, और इनको हमने आपका बात कर ली, ठीक? तो इनको आपको हम गौर करके आपका देख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं, ठीक है? सूफी संतों की मजारों को हमने देखा कि मजार किस प्रकार के थे, मालिक प्रभु की खोज क्या थी, उत्तर भारत में कैसे बदलाव आ रहे थे, कैसे कुछ आपने देखा होगा, चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने, जो आपके बंगाल के थे, उन्होंने आपका कीर्तन शुरू किया, जो आवाज आप देखते हो ना, हरे कृष्णा हरे रामा, ये बंगाल के चैतन्य महाप्रभु की देन है। इन्होंने सबसे पहले कीर्तन की शुरुआत करी थी और इसी कीर्तन से ये सारी चीजें आपका बढ़ती चली गई और इसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए आपको मिली, ठीक? चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, यहां से ये सारी चीजें आपकी प्रारंभ, ठीक? अब देखिए, तो इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख भी चुके थे और बात भी कर चुके, ठीक है ना? चलिए, तो कल हम यहां तक देखे थे, तो सबसे पहले हम भारत का एक मैप देख रहे हैं छोटा सा। चलिए मैं बात करेंगे, पहले भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। कह रहे, परंपराओं में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। आपने देखा होगा एक परंपरा चली थी, जो बड़ी अलग परंपरा थी, लोग भक्ति का नाम जप करते थे और उसी में अपने प्रभु का गुणगान ढूंढते थे। जैसे दादू दयाल थे, संत रविदास थे और मीराबाई। आपको पता है, मीराबाई ने जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद श्री कृष्ण को अपने मन में पति मान लिया और सब कुछ जाट पाट छोड़कर वैरागी हो गई और संत बन गई। मीराबाई एक राजपूत परिवार की राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पष्ट जाति के माने जाते थे, मीराबाई को नहीं माना जाता था, रविदास को मानते थे, ठीक, माने जाते थे, और उनके अनुयायी बने। वे कृष्ण के प्रति आपका प्रेम समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव से कई भजन में आपका
जो है अभिव्यक्त किया, उनको देखा, ठीक, उनको स्पर्श किया, उनके गीतों को उच्चावच जातियों को रीति रिवाज में खुली चुनौती दी तथा ये गीत आपके राजस्थान के युवा और जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हैं। आज भी देखते हैं राजस्थान और गुजरात में कुछ लोकल भाषा में गीत गाए जाते हैं, और आप जानते हैं जो गुजरात वाली पार्ट है वो बेसिकली जय श्री कृष्ण आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है वहाँ द्वारकाधीश की वजह से ही, वहाँ के जो इष्ट देव है वो आपका श्री कृष्ण है और लोग आपका श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट लक्षण यह है कि इनकी कीर्तियां क्षेत्रीय भाषाओं में, जो भी इन्होंने आपकी रचना की है उन सारी रचनाओं को इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में लिखा है, ठीक, और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों का प्रसारण सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय, महिलाओं की आपका भूमिका है। प्रसारणों की इस प्रकार में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचना साथ साथ उन पीढ़ियों की रचना भी मानी जाती है जो आपका गाया करते थे, कुछ गाने वालों की रचना है, और वे हमारी जाति जाति जन संस्कृति का अंग बन गई, क्या बन गई, उनका अंग जो है आपका बन गई, ये थोड़ा सा आपको बताना, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। भक्ति आंदोलन का एक संत, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल में जयदेव ने संस्कृति में गीत गोविंद की रचना की, इसमें हर गीत में एक विशेष राग और ताल रचित है। संगीत में इन संतों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और अभंग का प्रयोग रहा। इन गीतों में मन भावनात्मक आपका रूप का बल दिया गया और जनमानस को ज्यादा जो है आपका आकर्षित किया गया, ठीक, इनको आप देख सकते हैं। राणा के राजमहल से परे, राणा के जो राजमहल है उससे परे की कहानी थी जो आप इसमें अच्छे से देख, देख लिया राणा के राजमहल पर मीरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुल्हारा मर ज्यादा संके जन दखारे रे, महल अटारी सब त्यागो त्यागो थारो बरसानो सारो रे, राणा जी थे कहनो रखो मायो भय, बिखरो प्यारो राणा भेजो बिस्को प्यालो राणा भेजो, पीबे मीरा हारी रे बार ना बाको भायो गरल अमृत जो पियो राणा थे रे, क्यों ना कहो क्यों ना रहो मासूर रे। उन्होंने कहा कि राणा ने जिसका प्याला भेजा मैं तेरी हो चुकी हूँ, और उसका भी क्या हुआ, और हुआ भी था कि राणा जी ने उनके लिए जिसका प्याला भेजा था लेकिन वो पी लिया और उनसे उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी आपकी मीराबाई की एक आकृति बनाकर दिखाई गई, जनमानस में बड़ी फेमस हुई और लोकप्रियता भी हासिल की और एक संत बनकर हमारे सामने उभरी और हमको आज दिखाई देती। तो कबीरदास जी भी ऐसे लिखते हैं, तो कबीरदास जी पर बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा एक बार मैप देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से संत आपका भारत में थे। ठीक है, दारू दयाल की हम लोग बात कर रहे थे और मीराबाई, तो ये आपका राजस्थान में थे दारू दयाल और आपका मीराबाई, ये है राजस्थान, यहाँ दादू दयाल और मीरा भाई, ये 16वीं शताब्दी। गुजरात में आपने नरसिंह मेहता को सुना होगा, ये बड़े फेमस थे, ठीक है, नरसिंह मेहता आपको दिखाई। महाराष्ट्र में तुकाराम एकनाथ जो है ये 16वीं शताब्दी में आपको देखने के लिए मिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 16वीं शताब्दी में सूरदास
रामानंद इनसे पहले हैं, 15वीं 16वीं के हैं, रैदास 15वां के हैं, बल्भाचार्य 15 16 के हैं, तुलसीदास 16 17 के। तो आप देखेंगे 16 और 17 जो शताब्दी है ये बेसिकली उद्भव भक्ति भाव आंदोलन का है। यही पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया चैतन्य महाप्रभु जो आपके कीर्तन इन्होंने शुरुआत की, और असम में ये है शंकर देव, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में आपके निकले। और वहीं थोड़ा सा अगर मैं इसको सबको ऊपर कर दूं तो यहाँ देखिए आपका रामदास यहाँ आपको दिखाई देंगे। दक्षिण भारत का थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, इतने पार्ट भी हम देख रहे हैं। गौर करके देखिए कौन से राज्य में क्या क्या था, कौन कौन से संत हुए हैं प्रसिद्ध, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। अब है कबीर, नजदीक से एक नजर। कबीरदास जी जैसे संत होना एक अपने आप में बड़ा अलग है, ऐसे संत होना और इतना अच्छा काव्य लिखना और कभी भी अपनी प्रशंसा ना करना, ये एक अपने आप में बड़ा अनमोल है। कह रहे कि कबीर संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में ये एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में और तथा इनके आसपास मुसलमान जुलाहा बुनकर परिवार में हुआ। उनका जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उन विचारों की जानकारी की सखियां और उनके पदों के इस विशाल संग्रह से मिलती। जो भी हमारी जानकारी प्राप्त है उनके द्वारा जो चीजें आपको लिखी गई है उन्हीं के आधार पर हम लोग बता। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी परंतु ये घुमंतु गायकों द्वारा गाई जाती है। रचना कबीर की है, गाते कौन है, जो घुमंतु लोग हैं आप देखते हैं जो अपने गिटार वितार कुछ लेकर मांगते रहते हैं वो गाते हैं बेसिकली। और इनकी रचना भजन गुरु ग्रंथ साहिब में आकलन है, पंचवटी में, बीजक, बीजक एक इनका संग्रह है जिसमें जो इनकी सारी चीज हमको देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीजों को हम लोग इनमें इनका पढ़ सकते हैं जो इनका संग्रह हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये थोड़ा गद और पद में लिखते हैं तो पद का मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। ठीक है, हिंदी के टीचर आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे अल्लाह राम जीहू तेरे नाई, बंदे उपहार माहिर करो साई, क्या ले माटी भुरसाई, मोरो का जल दे नाही, जो करे मस्किन सतावे, गूंगे ही रहे छलपावे, ब्राह्मण विश्वसे 84 काजी मेहर जान। इस तरीके से उन्होंने अपनी गद और पद में अपने लिखी हैं। ये आराम से अपनी कुछ चटाई वगैरह कुछ घूमते रहते थे और ये अपना जो था पद करते रहते थे। अकबर के समकालीन थे और अकबर से बड़ा इनका द्वंद रहता था और अकबर के यहाँ अक्सर ये बोलते थे। ठीक है, चलिए देखिए आप आगे बढ़ते हैं। और देखिए कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण प्रचंड आसुविकार पर आधारित थे।
उन्हें उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में ही आपका भाई आडंबरों की पूजा के रूप में मजाक बनाया। उन्होंने काबे की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, उन्हें आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर आपके निराकार और आपका परम परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उनका उन्होंने आदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हुए हैं। ठीक है, ठीक, ये हमको देखना है। गुरु बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हमें कई अधिक जानकारी मिलती है। एक जगह है तावलवंडी, पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा साहब नामक एक केंद्र स्थापित किया, जहां उनकी यात्राएं की। उन्होंने अनुयायियों ने करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिनके अंतर्गत उन्होंने शब्दों यानी कि भजनों को गाया और उन्होंने आपका अनुयायियों में अपने धर्म या जाति आधारित लिंग भेद को नजरअंदाज कर एक राजी रसोई साझी रसोई के इकट्ठा होकर खाते पीते थे। यही यहाँ से ही आपका साझी आपके रसोई से ही शुरू हुआ है लंगर की व्यवस्था। क्या कहा गया? इसे लंगर कहा गया। गुरु नानक ने अपनी उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए उनकी जगह नियुक्त किए, जैसे धर्मशाला कहा गया, धर्मशाला कहा गया, जिन्हें आज इसे हम गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरुद्वारों का पुराना नाम क्या है? धर्मशाल है। क्या है? धर्मशाल। 1939 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायी को ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने ही ये चीज अपनी पहले ही चुन ली थी। ठीक, उनका नाम कल्हण था, उन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाता था। तो उनके बाद उनके अनुयायी कौन बने? गुरु अंगद बने। गुरु अंगद का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा नानक के ही अंग माने जाते थे। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उन्होंने अपनी कीर्तियों में जोड़ दिया, नई गुरुमुखी लिपि शुरू। तो गुरु अंगद ने क्या है आपका? गुरुमुखी लिपि शुरू की। क्या बनाया? गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद ने तीन उत्तराधिकारी अपनी रचना की, जैसे नानक के नाम से लिखी गई इन संग्रह में गुरु अर्जन देव ने 1506 में इन संग्रह को शेख फरीद, जिन्हों बाबा फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों ने गुरुओं की वाणी को जोड़ी गई। 1706 में इन ग्रंथ ग्रंथों में गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया कि आज के संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे कौन? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का आकलन किया और इन्होंने ही खालसा की स्थापना की। इसकी स्थापना की इन्होंने, जो खालसा पंथ है, इस खालसा पंथ की इन्होंने आपका स्थापना की। ठीक, ये थे गुरु नानक। आप देखिए इस तरीके से ये गुरुमुखी लिपि है। क्या है? गुरुमुखी लिपि जो गुरु अंगद ने शुरू करी थी। आप देख सकते हैं गुरुमुखी लिपि का एक पांडुलिपि जो है आपके सामने है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा पंजाबी भाषा है, उनको आम भाषा में हम आपका पंजाबी बोलते हैं। क्लियर है? ये आप देखिए, चलिए। तो आपने गुरुमुखी लिपि का आपने पांडुलिपि देखा, ठीक है, और ये देखिए इस तरह से गुरु नानक अपने शिष्यों को आदेश देते थे। और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, नानक साहिब, जिनको आप नानक साहब भी बोलते हैं,
ध्यान का भी बोलते हैं। क्लियर है, ध्यान हो गया इतना आपको, चलिए। अच्छा, और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी सिखों के और गुरु आपका नहीं बने। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु गोरख, बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जाति के थे, परंतु व्यापारी कृषक शिल्पकार ज्यादा थे। ज्यादा कौन थे? व्यापारी वर्ग इनके साथ जुड़े, कृषक जुड़े और शिल्पकार जो आपको कुछ बनाते थे। इसी की वजह से बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी ग्रस्त हो जाएं और उपयोगी और उत्पादक पेशे से जुड़े रहें। वो क्या रहे कि भैया ग्रस्त रहो और सब चीजों में आप जुड़कर चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय में विशेष कोष का योगदान देंगे और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा यानी कि हरमंदिर साहिब, आप इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हो बच्चों, एक्चुअल में स्वर्ण मंदिर का जो नाम है वो क्या है? हरमंदिर साहिब है, हरमंदिर साहिब। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि स्वर्ण मंदिर का जो नाम है वो हरमंदिर साहिब है, ठीक। और आसपास रामदास शहर यानी कि अमृतसर का विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वास्तुतः स्वागतता था कि आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे, यानी कि इस समय अगर आप देखोगे राजा रणजीत सिंह शासन कर रहे थे। सिख मुगल बादशाह जागीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया और जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की स्थापना की, खालसा पंथ के नाम से जानने लगा। तो अगर आप पूछोगे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के आपके 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की कब? 1699 में। तो खालसा पंथ 1699। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों में सिख आंदोलन के विकसित प्रभाव शुरू हुए और बाबा नानक इनके विचार सिख आंदोलन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। क्या करा? गहरा प्रभाव। उन्होंने ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, उन्हें क्या किया? आग्रहित किया। जाति धर्म लिंग भेद भाव मुक्ति में कई मायने नहीं रखे। उन्होंने मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धताओं को निरंतर कोशिश में निहित थी। उपासकों में बहुत सारे व्यस्त कहने कारण तीन शब्द का प्रयोग किया, नाम दान और स्नान। नाम दान और स्नान के नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था कि आप नाम जप करो, आप दान करो और स्नान करो, ठीक। दान का तात्पर्य दूसरों के भला करने से, स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। इसकी आचार विचार की। आज उनके उपदेशों को नाम जपना यानी कि कीर्तन करना आपका वर्षा का नियनी के रूप में जाता है। यह अवधारणा उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करने यानी कि दूसरों की मदद कि आपका रेखांकित की। इस तरीके से गुरु नानक की समता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात पर हम गुरु नानक और उनके अनुयायी इतिहासकार कबीर और रविदास को दादू जैसे संतों के अनुयायी के विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे, यानी कि उनसे मिलते जुलते थे। और इतिहासकार के फर्क समझने में मदद मिलती। तो कैसे अंतर था इनको हम समझ सकते थे इतिहासकार इन सारे संतों में। क्लियर है? तो बड़े ही फेमस रहे हैं ये, इनको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट कोई क्वेरी है, मेरे प्यारे बच्चों मुझसे एक बार लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हैं।
चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।